नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं विजय, जो खुरई में मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कृषि यंत्रों के निर्माण में या कृषि यंत्रों के निर्माताओं में इनका अग्रणी स्थान है और इनका एक खास प्रोडक्ट है जो सीडकम फर्टिलाइजर्स, मतलब है सीएस खाद और बीज, इसको अलग अलग ये बोनी करती है ये मशीन। तो इस मशीन के बारे में हम सर से जानना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम मयंक सिंह राजपूत है। जी जी। और मैं यहाँ पे सर अपना कस्टमर को देखता हूँ सर। अच्छा, कस्टमर अच्छा। क्या नंबर रहता है उसको भी चलाता हूँ सर। अच्छा, वो क्या टेक्निकल जो थ्रेसर वगैरह में जो भी प्रॉब्लम आती है तो उनको मोबाइल के द्वारा वीडियो कॉलिंग के द्वारा सॉल्व करता हूँ सर। जी जी जी। अच्छा सर, किसानों की बहुत सारी समस्याएं आपके पास आती हैं, उनका निदान करते हैं, आपका किसानों के बहुत हित में कार्य कर रहे हैं ये। जी सर। ये जो सीड ड्रिल है जी, ये सर, इसमें खाद और बीज की अलग अलग बिजाई होती है। जी सर। जी सर, इसके बारे में एक बात बताइए किसान भाई। सर अपन को सबसे पहले शुरुआत ये कर दें, किसान की डिमांड के अनुसार ही चीज़ यहाँ पे बनती है सर। किसान की डिमांड रहती है कि हम सर खाद और बीज को अलग अलग बोना चाहते हैं। क्या कोई किसान खाद और बीज को एक साथ मिला के बोता है तो कोई किसान ये सोचता है कि हम भैया अलग अलग बोएं खाद को और बीज को। खाद और इस मशीन का मेन काम ये रहेगा सर कि सीड कम फर्टिलाइजर, इसका मेन काम रहता है मल्टी, मतलब दोनों का, सीड को और अपनी खाद को, बीज को और अपनी खाद को, बीज को बोता है और खाद को, वो बीज को ऊपर बोता है और खाद को उसके नीचे छोड़ देता है, जिस कारण उत्पादन बढ़ जाता है और बीज की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जिससे गुणवत्ता बढ़ने के कारण क्या रहता है सर कि बीज अच्छा अंकुरित होता है सर, लॉन्ग लास्टिंग अच्छी लाइफ रहती है, जिस कारण उत्पादन बढ़ता है। वो किसान का मेन मुख्य कारण यही है कि सर मुझे उत्पादन बढ़ना चाहिए, इस कारण इस मशीन को निर्माणित किया गया है। ये टोटल रोबोटिक कंप्यूटर द्वारा मशीन द्वारा बनाई गई है सर। सर इसमें जो पेटी लगी हुई है सर, ये प्रोआर्क मशीन द्वारा कटिंग की गई हुई पेटी है सर। इसमें 14 गेज की चद्दर लगी हुई है सर। इसका मेन काम ये रहेगा सर कि इसमें अपन एक साइड सर, एक सेकंड इधर किसान भाइयों हम खोल के दिखाते हैं ये पेटी, इसमें कैसा क्या सिस्टम है को देखिए सर। पहले पेटी की फिनिशिंग देखिए। बिल्कुल सर। फिनिशिंग में क्या रहता है सर, क्या रहता है, कभी कभी खाद बीज अपन एक साथ डालते हैं तो उसमें क्या एयर बन जाती है। अच्छा, अच्छा। जिस कारण सीड़न आ जाती है। सीड़न के कारण वो खाद और बीज सर अगर एक साथ नहीं चिपकेंगे सर तो उसमें क्या है, बोझा लगने का खतरा भी कम हो जाता है सर। सर आपको बताएं सर, इसमें खाद डलती है, इसमें बीज डलता है। अच्छा सर, ये बताइए जहाँ खाद डलता है वहाँ जंग लगती है, तो ऐसा इसमें क्या खास किया हुआ है जिससे कि उसको जाम होने का कोई चांस नहीं रहता। सर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर ये फाइबर सेट है, ड्यूकन कंपनी का है सर, ये अमेरिका की कंपनी है सर, ड्यूकन उसके द्वारा बनाया गया है सर। इसकी मजबूती के बारे में बात करते हैं सबसे पहले सर, इतना मजबूत है कि इस पर ट्रैक्टर ट्राली भरा हुआ निकाल दिया जाए तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल है सर, कभी भी कितना भी वजन निकल जाए कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। और इसमें एक और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि सर ये कभी जाम नहीं होता। तीसरा फायदा ये है कि सर इसमें जो सर ये चूड़ी लगी हुई है सर, ये वाला जो रिंग लगा हुआ है वो स्टील का लगा हुआ है, जिस कारण इसकी स्पेशलिटी बढ़ जाती है सर। राउंड भी अच्छे लेगा सर समय पे, क्या सर राउंड भी सर लगता है, इसमें आयल पानी की कोई आवश्यकता, आयल पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। बाकी किसान अभी क्या है कि नॉर्मली उनको जानने में नहीं है तो वो डालते हैं, आदत है, आदत है, तो सर कोई बात नहीं, वो चलता है सर। जी सर। अच्छा सर, इसके थोड़े ये टांच वगैरह के बारे में सर, भी बताइए। अब आइए अपन लट्ठा पे सर। इस मशीन का जो लट्ठा है सर, टोटल रोबोटिक कंप्यूटर द्वारा मशीन द्वारा बनाया गया है। इसमें जो बेल्डिंग की गई है सर, ये कंप्यूटर रोबोटिक मशीन द्वारा बेल्डिंग की गई है सर। इसका मेन काम क्या रहेगा सर कि ये ज़्यादा समय तक मजबूती बनाए रहेगी सर बेल्डिंग। क्या सर, अगर मजबूत चीज़ अपनी बनी रही है, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ चलती रही तो क्या सर कंपनी को, ब्रांड को भी कोई नुकसान नहीं रहेगा और सर कंपनी मशीन की रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी और सर लाइफ भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है सर। अपन थर्ड पॉइंट इस पे आते हैं सर, इस फर्टिलाइजर पाइप, ये सर बोनी में यूज किए जाते हैं। जो उथली बोनी करना हो तो इस वाली पाइप में, बाहरी पाइप में यूज करते हैं सर पोर को, और जैसे गहरी बोनी करनी हो
जैसे चना मसूर की सर, तो वो इस वाली पाइप में यूज की जाती है। सर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सर फोर्थ पॉइंट है अपना टांस। सर एक टांस में हम एक सपोर्ट पत्ती देते हैं जो अनदर कंपनी कोई भी नहीं देती है। सर इसका मेन काम क्या रहता है कि सर टांस जल्दी से जल्दी सर 10 साल के बाद अपने आप सर मुड़ने लगती है, तो उसमें क्या रहता है सपोर्ट पत्ती लग जाने के कारण सर उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो जिस कारण सर मजबूती भी बनी रहेगी और सर ज़्यादा समय तक टांस चलती भी रहेगी। आपकी कुशियों का भी काफ़ी अच्छा लेवल है सर। जी सर, एक कुशिया सर एक मतलब सर खास एंगल में बनाए गए हैं, पूरा स्पेयर कोई भी स्पेयर लोहे का यूज नहीं किया गया, टोटल ब्रांडेड क्वालिटी का लोहे का सीट का उपयोग किया गया सर। आप इसके पेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा पेंट लगा जी सर, इसमें ड्यूलक्स नेरोला को बर्जर कंपनी का पेंट लगाया जाता है सर। पहले इसमें क्या किया जाए, फिनिशिंग करने के बाद सर इसमें ड्यूलक्स, बर्जर या नेरोला कंपनी तीनों ब्रांडेड कंपनी है सर, उनका पेंट का यूज किया जाता है सर। अब इसको बुश को दिखाते हैं सर, हम इस मशीन में अभी पीतल का बुश लगा हुआ है, ए बुश कहलाता है सर पीतल का, सभी टोटल ए वाला बुश अपना पीतल का लगा रहता है सर। इसका ही मेन काम रहता है ये जाम होने से बचाता है मशीन के लिए। सर इसको गेयर बॉक्स बोलते हैं सर, इसमें अपनी मशीन को अपने दाने को अनुकूल जितना बोना है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आप सेट कर सकते हो सर। अपना कांटा जीरो से लेके 50 तक है, इसका मतलब है एक क्विंटल 20 किलो तक पर एकड़ ये आपका फुल खुलने के बाद मतलब गिरा देती है, सीड में बो देती है सर। ये सर अपनी चाबी है सर, इसको ऊपर नीचे एडजस्टिंग कर सकते हैं सर। अब आइए सर अपना, और मजबूती काफ़ी दी हुई मजबूती की सर पेटी में जो स्टैंड दिए रहते हैं सर, ये हाई क्वालिटी के लोहे के दिए रहते हैं जिस कारण पेटी में सर मजबूती बनी रहती है, क्या है वो भड़बड़ाती नहीं, कंपन नहीं करती है सर, और नो आवाज़ सर कोई भी स्पीकर नहीं आता है। मशीन को चलाते समय सर अगर कोई भी आवाज़ नहीं आए तो सर वो बहुत शानदार चीज़ रहती है। अच्छा सर, इसका एक और यूज़ रहता है चेन को टाइट करने का, उसके बारे में बताइए इससे क्या होगा। सर चेन को टाइट करने से ये रहेगा कि सर सीट्स को अपन जो बोते हैं सर वो एकदम परफेक्ट गिरता है। जी सर, अब थर्ड अपना ये लास्ट पॉइंट पे आइए सर, व्हील। व्हील सर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मशीन में, अगर व्हील सही घूमेगा तो अपना दाना भी सही वो गिरेगा सर, और बीज भी अपनी मिट्टी में बिल्कुल प्रॉपर समय से मतलब गिरेगा, जिस कारण बोनी भी अच्छी होगी सर, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी सर। इसमें व्हील में एक बैंड दिया हुआ है ये सर, अदर कंपनियां बैंड नहीं करती, अंदर बाहर से यहीं से मतलब सर वेल्डिंग करके दे देती हैं, ये अंदर उससे ये टूट जाता है और सर प्रॉपर वर्क नहीं करता, ये भील लगा हुआ है अंदर तक वेल्डिंग हुई है, तो सर उसके कारण क्या है सर लंबे समय तक सर मशीन को अपन चला सकते हैं सर। और अपन बढ़िया ग्रीस रीस सर ग्रीस करने के लिए पॉइंट दिए गए हैं सर, ये यहाँ से ग्रीस और कैन ग्रीस कैन के द्वारा इन पॉइंटों को खुल के यहाँ से ग्रीस आप डायरेक्ट मशीन के अंदर इंसर्ट कर सकते हो सर। सर आपने हमारे किसान भाइयों को इस सीड कम फर्टिलाइजर का जो बिजाई का सिस्टम है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा विजय इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर एक बार विजिट कीजिए हमारी कंपनी में सर, और हमारा माल लेके जाइए सर, आपको अपने आप ये महसूस नहीं होने देंगे सर कि आपको मतलब लॉन्ग लास्टिंग लाइफ चलेगी सर। अगर एक बार आप आओगे तो सर बार बार आने का आपको हमें भी अवसर प्रदान होगा सर, और आप भी अपने आप बार बार आओगे सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर, नमस्कार।